किसी भी फील्ड में इन योर स्टार्टिंग 20s एंड मिड 20s किसी भी फील्ड में घुस जाओ और उधर 5 से 6 साल लगा ले बेटा. पिक अ फील्ड और अपने पैशनेट फील्ड है तो पैशन से ले ले, नहीं है मजबूरी में घुस जा कहीं भी घुस जा. बेटा कायनात की कॉस्मोलॉजी के साथ आइडिया सेलिंग और एम्पायर क्रिएशन के बड़े उसूल हर फील्ड में एक जैसे होते हैं. किसी फील्ड में तुझे 5-6 साल टिक के ना ये चीज पक्की करनी है. तू नर्स बन जा, तू इंजीनियर बन जा, लैब असिस्टेंट बन जा, किसी भी फील्ड में चला जा. तू केमिस्ट बन जा बेटा, सीएस में चला जा, जस्ट पिक. तू स्पोर्ट्स की फील्ड में चला जा. हर जगह के मैक्रोस तकरीबन कुलियात एक जैसी होती है. उसमें पानी रस्ता जो बनाता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट होती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस में जो स्वॉट है पूरा, स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारा हर जगह का तकरीबन. सियासत सियासत होती है, तनकीद तनकीद होती है, ताईद ताईद होती है. हर फील्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. मैक्रो लेवल में हर फील्ड के झटके तकरीबन अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से स्पेसिफिकेशन में फर्क होगा. पिक अ फील्ड राइट नाउ, स्टे ओवर देयर, उसमें आप जाएं, लगाएं टाइम और देखें कौन सा बर्तन कैसे खड़कता है आपके साथ. सूरह बकरा की स्टार्ट में 3 साइकोलॉजीज का जिक्र है. हुदल लिल मुत्तकीन द पॉजिटिव पीपल, अंधरतम अमलम तुंजरम ला युमिनु द प्योर नेसेयर कभी नहीं मानेगा. थर्ड वमिन नास मे यकुलु आमन्ना बिललाहि वबिल यौमिल आखिर वमहुम बिमुमिनीन, वो पार्टी जो कहेगी किसी मां ने तेरे चंगा पुत्र ही नहीं जमे हैं है? और ये छुरे रखे हुए होंगे. ऑपर्चुनिस्ट मफाद परस्त और धोखेबाज दगाबाज, ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा, तेरा काम चलेगा बेटा तेरे साथ होंगे. थोड़ा सा आइडिया डाउन देल बैक. हमारे बच्चों को हम रियलिटी चेक देना चाहते हैं, अफसानों में नहीं. तुझे ये सारे सांप बिच्छू और ये सारे हीरे फील्ड में, हर फील्ड में मिलने, इसका फिजिक्स की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स इन एवरी फील्ड. यू डोंट हैव टू इंपोर्ट प्रॉब्लम्स, दे आर देयर अराउंड यू. अब रोना बंद होना चाहिए. कुएं में बैठा हुआ मेंढक 40-45 की एज में आकर ये कहता है काश अगर मगर चूंके चुनाचे, इट्स अ लूजर टॉक. यू नो आप नहीं बेच सके, आप नहीं सेल कर सके, आप नहीं टिक सके, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सके, आप मंजन नहीं बेच सके अपना. योर फॉल्ट एंड माई फॉल्ट. एंड अल्लाह सेज इन कुरान फला तुलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, कि शैतान क़यामत के दिन क्या कहेगा, यू डिड दिस टू योरसेल्फ नॉट मी. दोस्त दुश्मन दोस्त नहीं बने, योर इशू. दोस्त सज्जन नहीं बने, योर इशू. कम पैसे पे लोग काम करने नहीं आए, योर इशू. सो द थिंग इज फील्ड में रह के ना अपने अपना ब्रश पॉलिश कर ले, ब्रश योरसेल्फ. किसी भी फील्ड में चला, इट डजंट मैटर बेटा. तुझे असल पैशन असल इश्क मिलेगा चीज के बाद. और ये जिसे तू इश्क कह रहा ना, इट इज नॉट एट ऑल लव. दिस इज देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट. ओ आई डोंट बिलीव इन दैट. मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं. मैं चांद तारे तोड़ के, सादा खुशबू का पान नहीं ला सकता, यू नो. हेलो चांद तोड़ के लेगा, व्हाट इज ही डूइंग. देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट बच्चों. किसी भी फील्ड की प्रोस कॉन्स, हाइट विड्थ लेंथ डेप्थ, सॉल्व इट आउट. यू विल फाइंड द प्रोडक्ट. अगर उसी को कंटिन्यू करना है तो ठीक है, बट द प्रोडक्ट विल कम इन द लेट इन द स्टार्टिंग 30s और द लेट 20s. अभी जब आपको ये सब नहीं आएगा ना, तो फील्ड में आके ना आपसे गलतियां होंगी, भंड मारेंगे बड़े लेवल की आपसे गलतियां होंगी. कहां बोलना था वहां बोला नहीं, कहां संजीदा होना था वहां तमस्कर चल रहे हैं, मजाक चल रहे हैं. कहां ज्यादा नहीं स्पेसिफिकेशन बतानी थी अपनी प्रोडक्ट, लगा हुआ बैठ के ये भी है इसमें, ये भी है, ये भी है, ये. हेलो डोंट डू दैट. यू नो गोना बाय लाइक दैट. कहीं पर बिल्कुल खामोशी तैयार करनी थी, वहां असी बिल्कुल चपड़ 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 कहीं चपड़ चपड़ चढ़नी चले ना, बिल्कुल खामोश होकर बैठ. ये 2 रुपए का बस इतने गई है बस. हेलो तो ये सारा मामला जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जाके पक्का कर लो और उस्ताद के साथ रह के कर लो. मन लैसा लहु उस्तादुन फस्तादु अश्शिता, बेटा किसी का लोटा नहीं उठाएगा ना अभी. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, यू नीड टू वर्क अंडर अ प्रोफेशनल. इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप शुरू कर ले कहीं पर, किसी के दर पे जाके बोल भाई मुझे रख ले, पैसे नहीं मिलते गम नहीं है, स्टे देयर लर्न समथिंग. क्योंकि वो तो खोल के बैठा हुआ ना, तो तुम्हारी टेंशन है स्टार्टअप की, वो उसने की भी है. और एक और बड़ी टिप दूं, सबसे तबाह हुई कश्ती के अंदर सफर करें. जितनी बर्बाद शुदा कश्ती चलाएगा ना, लर्निंग भी उतनी इनहेंस होगी. फील्ड खुद आपको लेवरेजेस बता देगी कि पिछले वालों ने क्या काम नहीं किया. एक अच्छा थिंकर 4-5 साल जब किसी भी फैसेट में लगा रहा होता है ना इंडस्ट्री के, उसे खुद समझ में आ जाता है. अगर वो बड़ा है माइंड में, वो खुद ही समझ जाएगा ये कमी है, और डाइवर्सिटी की वजह से जल्दी पिक कर लेगा इधर तो ये चीज नहीं हो रही, इधर तो ये नहीं हो रही. सो द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ सक्सेस इन एन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इज तनवो, डाइवर्सिटी. पुत्र अपने अंदर डाइवर्सिटी ला. प्रोडक्ट के अंदर वो जो हुसन, गहरा नुक्ता है, प्रोडक्ट के अंदर वो हुसन, यूनिकनेस, जमाल, कमाल, और जो कंपेरेटिव एज के ऊपर मारने का एलिमेंट आता है ना, वो आता है डाइवर्सिटी से, और वो डालेगा तू अपने कलेजे की वसत के मुताबिक. अगर सोच पंजाबी, महाजर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, फ्यूडलिज्म, लेफ्टिस्ट, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यो इसमें अटकी हुई है ना, तेरा प्रोडक्ट बायस्ड हो जाएगा एक लिहाज से. डाइवर्सिटी तो अगर ये तनवो नहीं होगा ना, तो वो प्रोडक्ट के अंदर, भाई आपके पास पैसा तो है नहीं,
आपने आइडिया फेंका, दूसरे ने कॉपी कर लेना। डाइवर्सिटी बच्चों, अगर आप लॉक्ड हैं, प्रोडक्ट भी लॉक्ड, आप मुतासिब हैं, आपको बनाने नहीं आएगा। किसी फील्ड में जाएं, फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम लगाएं, पजल्स खोलें, समझें, उसकी लॉग फाइल्स खोलें, और अगर उसी फील्ड में जाके इंकलाब खड़ा करना है ना, नाउ अ बिग मिलियन डॉलर टिप। आइडिया इवॉल्व नहीं करेगा, खलास मर जाएगा बेटा फील्ड में। यू नीड टू इवॉल्व एंड यू नीड टू बी डाइवर्स। आप हलीम का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हलीम नहीं रहनी चाहिए, अब हलीम की डाइवर्सिटी की, हलीम की एवोल्यूशन पहले ही हो जानी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि आप उसमें थोड़ा देखें। पहले आया कुन्ना, फिर आया कुन्ना निहारी, अब आइए कुन्ना बिरयानी। You see, things are evolving right now. If you're not going to do that, you're not going to stick in the market. क्यों? अब आप 7 दिन तो कुन्ने नहीं खिला सकते ना किसी को। So you need to be diverse, you need to evolve. In fact, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, जबरदस्त किस्म का। बंदर एंड द शेर। बंदर ने शेर से कहा, I want to be the king of the jungle. शेर ने बूथी देखी उसकी। शेर ने कहा, fine, ले ले भाई। बंदर ने शेर से कहा, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। शेर ने कहा, हजरत आए और बैंड संभाले, आपके अंगारे आपको मुबारक हो। अब बंदर आया, ताज पहना, इज द किंग ऑफ द जंगल। डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ कंपेयर कर। द बीवर केम, बीवर आया जमीन के अंदर से और उसने कहा, बादशाह सलामत, भेड़ियों ने हमला कर दिया आपकी सल्तनत के ऊपर। 30% डिफेंस लाइन सेबोटाज होकर वल्नरेबल पोजीशन पे खड़ी हुई है। स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन बताएं और हम लायबल अभी ग्राउंड पे लाएंगे, सल्तनत बचानी है आपकी, एम्पायर खड़ा है स्टेक के ऊपर। बंदर ने सोचा, बंदर ने गुलाटी शुरू, एक गुलाटियां मारना शुरू कर दी, एक टैनी से, दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, बनकर गुलाटियां मार रहा है दबा के। एंड द पूरी पूरी फ्रंट लाइन थिंकर्स की बहन सोच रही है, कुछ जबरदस्त आइडिया आने वाला है बंदर को इस टाइम। और वो गुलाटियां मारता रहा। तो थोड़ी देर के बाद लोमड़ी आई, आफ्टर हाफ एन आवर, एंड शी सेड, बादशाह सलामत, 70% ऑफ योर एम्पायर ऑफ आइडियाज इंक्रीज, आपसे रिलेट कर लेना, 70% आपका एम्पायर या आइडियाज या जो भी आपकी सल्तनत है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिजियोलॉजिकल है, वो सेबोटास्ट है, वो वल्नरेबल पोजीशन में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी उड़ चुकी है, लाए अमल बताया मैं करना क्या इस टाइम। बंदर ने बड़ा गहरा तफक्कुर किया, गहरा तफक्कुर करके ना गुलाटियां शुरू, एक टैनी से, दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, चौथी, बंदर गुलाटियों पे गुलाटियां, तेज गुलाटियां, लग रहा है उनको यार मेहनत चल रही है इस टाइम पर, गुलाटियां। और उसके बाद पूरा जंगल तबाह हो जाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज लेफ्ट, और उस टाइम पे जो खरगोश है या एक और जानवर आके कहता है, बादशाह सलामत, अब हमें आपको बचाना है, आप हमारा आखिरी प्रोटोकॉल है इस टाइम पर, आपकी लेगेसी तबाह होने वाली है, प्लीज गिव अस द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि हम सल्तनत कैसे बचाएं आपकी। बादशाह सलामत ने गुलाटियां गोली की स्पीड से तेज कर दी, एक टैनी से, दूसरी टैनी से, दूसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, तीसरी टैनी से, चौथी टैनी, सब तबाह हो गया। मरती हुई लोमड़ी ने बड़े प्यार से बादशाह सलामत को कहा, मैं थोड़ा पंजाबी में कहता, तुसी की कीता? बंदर ने कहा, जो मैं कर सकता था ना, मैंने अपने फुल पोटेंशियल देखे, मैं गुलाटी मार सकता था, मैं गुलाटी मार सकता था, मैंने गुलाटियां मारी। तो बच्चे, अपने आइडियाज, अपने स्टार्टअप्स, अपने ब्रेन में गुलाटियां मारनी है ना, तो गुलाटियां मारन दे नाल इंकलाब नहीं आंदा। यू नीड टू बी डाइवर्स, यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू पुट सम सब्सटेंस इन योर प्रोडक्ट, यू नीड टू प्ले। इंजीनियरिंग इंजीनियर तैयार होने लगे, इंजीनियर्स मार्केट में गए, इंजीनियर्स को बड़ी बड़ी चौधरी वाली पोजीशन मिली, मैनेजमेंट ही नहीं आती थी। तो द नीड ऑफ द आवर वॉज टू इंट्रोड्यूस इन द एकेडमिक करिकुलम ऑफ समथिंग कॉल्ड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। के मैंने इंजीनियर, द वन हू प्लेस विद द लाइनर एंड द पिस्टन्स एंड द कैमशाफ्ट्स एंड द क्रैंकशाफ्ट्स एंड द कैलिब्रेशन ऑफ द पिस्टन्स एंड द लाइनर एंड ऑल दिस होल गोइंग ऑन एंड द इलेक्ट्रिकल एंड द सर्किट्स, इफ ही डजंट नो हाउ टू मैनेज द सिचुएशन इन पीपल एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दे हैड टू ब्रिंग इट इनटू द गेम। क्योंकि अगर एक इंजीनियर सीईओ बन जाता है या फ्रंट लाइन वीपी या वीसी बन जाता है, वीपी बन जाता है, तो वो संभालेगा कैसे? तो दे हैड टू ब्रिंग इट इन, जस्ट लाइक आपके एवोल्यूशन, जस्ट लाइक यू नो द जॉब्स आर नॉट देयर। 2 लाख के ऊपर मेरे भाई ने कहा 50,000 जॉब है, तो 1.5 लाख कहां जाएगा बच्चा हमारा? एंटरप्रेन्योर यू हैव टू, तो वो इंक्यूबेशन लाने पड़ गए इनको। ये वक्त का हमेशा से तर्क रहे हो, तो अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी, अपने प्रोडक्ट में एवोल्यूशन।